नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंटेंट में। और आज के शो में मैं करने वाला हूँ माउनो के AU100 माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बाद में मुझे ये कैसा लगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इसका सैंपल वगैरह भी आपको सुनाएंगे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये है यहाँ माउनो की तरफ से आने वाला AU100 माइक्रोफोन। तो बॉक्स आप देख सकते हैं कि हमें येलो कलर में देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले इसका बॉक्स डिफरेंट देखने को मिलता था। पहले ये व्हाइट कलर में आता था और यहाँ माइक पे जो माउनो की ब्रांडिंग है वो भी पहले डिफरेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद अगर आप इसके राइट साइड में देखते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, पीसी और DSLR के लिए कंपेटेबल है। वैसे वो तो सभी लेटेस्ट माइक्रोफोन होते ही है। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप इसे किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जिसके लिए आपको करना है उसके लिए आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ गेमिंग तो लिखा ही नहीं है, लेकिन हम चाहे तो गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके पीछे की साइड में देखें तो इसके बारे में आपको और भी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, प्राइस, बॉक्स कंटेंट्स वगैरह वगैरह। तो आप MRP यहाँ देख सकते हैं कि 2499 रुपीज़ लिखी गई है। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी प्राइस लिखते हैं ये लोग। मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2021 है और कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। बाकी और कोई डिटेल्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे बाहर निकाल दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है हमें। तो चलिए इसे भी हटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर की साइड सिलिका जेल की गोलियां देखने को मिल जाएगी। तो ये खाने के लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसे खाना नहीं है आपको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो ये है हमारे माइक की सामग्री। तो अभी इसे हम रख देते हैं साइड में और देखते हैं किताबें हमें क्या क्या देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ हेल्पलाइन के लिए कार्ड है, तो अगर आपको कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद ये है यहाँ यूजर मैनुअल, तो पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये है माउनो का पाउच, जिसे आप माइक्रोफोन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा तो बॉक्स में और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे माइक पे। तो ये रहा हमारा माउनो का माइक्रोफोन, जिस पर मैंने विंडमप भी लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर इसके कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ आपको ऊपर की साइड में माउनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगी, जिसे आप कैमरा या स्मार्टफोन में यूज़ करते वक्त स्विच कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसे ओपन करके देखें तो इसके अंदर एक सेल देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे केस में इनबिल्ट लगा हुआ ही था। तो ये सेल जब आप कैमरा मोड में रिकॉर्ड करते हैं तभी यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ 6.35mm एडेप्टर कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, और इसे निकालते ही हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा 3.5mm जैक, जिससे आप इसे अपने किसी भी स्मार्टफोन, कैमरा, लैपटॉप वगैरह डिवाइसेस जिसमें 3.5mm जैक है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ केबल की क्वालिटी और लेंथ की बात करें तो केबल की क्वालिटी यहाँ आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर थोड़ी और अच्छी होती तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ इतनी बुरी भी नहीं है। जबकि इससे पहले जो मेरे पास माइक था उसका केबल इससे थोड़ा ठीक था और उसकी प्राइस भी इससे कम थी, तो उसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर यहाँ इसकी लेंथ की बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो 20 फीट की इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आपको मैं मीटर में बताऊँ तो अराउंड 6 मीटर की लेंथ देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी लेंथ से तो कोई शिकायत होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है, लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग में मुझसे कुछ छूट गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने देखा नहीं, लेकिन बाद में जब मैंने इसके पाउच में हाथ डाला तब मुझे लगा इसके अंदर कुछ है। और मुझे यहाँ क्या देखने को मिला, एक सेल और एक विंडमप, जो कि हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमें जो अनबॉक्सिंग के टाइम पे विंडमप देखने को मिल रहा था वो तो माइक पे लगाया हुआ ही है, और सेल तो यहाँ पैकिंग ही है, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि न्यू है। तो ये मुझे यहाँ एक काफ़ी अच्छी बात लगी। वैसे यहाँ दूसरी क्लिप भी निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। वैसे जितना मुझे पता है बजट में कोई ब्रांड एक्स्ट्रा सेल वगैरह देती नहीं है, तो ये यहाँ कंपनी का एक प्लस पॉइंट गिना जाएगा। तो अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है वो माउनो के माइक्रोफोन से हो रहा है, तो आप साउंड क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आप इसे वॉइस ओवर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कैसी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी,
वो भी आप यहाँ से सुन सकते हैं। और मैं भी थोड़ी देर चुप रहूँगा तो आपको नॉइस वगैरह का भी अंदाजा आ जाएगा। तो साउंड क्वालिटी तो यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसके साथ। आपने भी इसकी साउंड क्वालिटी सुनी, आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। अब इसके नॉइस कैंसलेशन की बात करें तो नॉइस कैंसलेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है इसके अंदर, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं आपको साउंड का ग्राफ दिखाना चाहूँगा। तो अभी मेरे रूम के अंदर फैन ऑन है और यहाँ साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना नॉइस हमें देखने को मिल रहा है। और अब मैं फैन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब यही कंडीशन मैं अपने पहले वाले माइक्रोफोन के साथ दिखाता हूँ। तो अभी फैन ऑन है, वैसे इसका भी नॉइस कैंसलेशन इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अभी आपको आगे डिफरेंस पता चलेगा। और अब ये फैन ऑफ करने के बाद का ग्राफ है, तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइनर सा नॉइस देखने को मिल रहा है, जबकि माउनो के माइक्रोफोन के अंदर थोड़ा ज़्यादा नॉइस कैप्चर कर रहा था। यहाँ वॉइस कैसे कैप्चर हो रही है वो भी आप देख सकते हैं, तो वॉइस कैप्चर भी रेट यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 360 साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से नॉइस कैंसलेशन थोड़ा वीक पड़ रहा है। तो इसके अलावा तो यहाँ बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ वॉइस क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आप साउंड को एडिट करके यूज़ करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर मैं यहाँ मेरी बात करूँ तो मैं भी साउंड को एडिट करके यूज़ करता हूँ, तो मुझे नॉइस से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नॉइस रिड्यूस कर देता हूँ उसके बाद साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो चलिए अब मैं इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ साउंड एडिटिंग से पहले कैसा देखने को मिलता है और एडिटिंग के बाद कैसा देखने को मिलता है वो सुना देता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आप अपने ऑडियो को कैसे एनहांस कर सकते हैं उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं तो इस माइक को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये रिव्यू मैं माइक को काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद बना रहा हूँ। तो मैंने जो डॉल्बी एटमॉस वाला वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले का, उसके बाद की जो भी वीडियोस आई है उसमें मैंने यही माइक का यूज़ किया है। वैसे मैंने इसको स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ ही ट्राई किया है, तो कैमरे के साथ मैंने साउंड क्वालिटी चेक नहीं की है, बाकी स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर इसकी प्राइस की भी बात कर ले तो फिलहाल इसकी प्राइस 599 रुपीज़ देखने को मिल रही है। हो सकता है इसकी प्राइस बाद में ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जब मैंने इसे परचेस किया तब इसकी प्राइस 659 रुपीज़ थी। तो आपको ये माइक्रोफोन कैसा लगा जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।